छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और यह है जी थोड़ा सा अदरक और लहसुन। अगर आपके पास फ्रेश पेस्ट ऑलरेडी है तो उसको आप डाल सकते हैं। मुझे फ्रेश चाहिए था इसलिए मैंने अभी पीसा है इसमें डाल के। तो देखिए इस तरीके से एक फाइन पेस्ट बना ले थोड़ा सा पानी डाल के। और यह है जी मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस। अगर आप चाहो तो विथ बोन भी ले सकते हैं। चिकन को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके रख लीजिए।
फ्लेम पे सेका था ना, इसलिए ये फटेगी नहीं। इस पॉइंट पे ना मेरे हाथ बहुत स्लिपरी थे, तो मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बुलाया था मेरी मदद के लिए। तो ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करके एक थ्रेड की मदद से इसको अच्छे तरीके से बांध दें। दोनों साइड से अच्छे तरीके से बांध दे तागे से। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और उसमें इस पोटली को रख देंगे। रखने के बाद 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दे साइड्स में और फौरन ढक के रख दे। इस तरीके से हमें 3-3 मिनट दोनों साइड्स फ्लिप करते हुए ढक के पकाना है। ये देखिए, एक साइड हमने पकाया है, अब दूसरे साइड भी हम फ्लिप करके ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, इस तरीके से पत्ते का पूरा कलर चेंज होने तक पका है। इसमें जो पानी हमने डाला था वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो हमने फ्लेम ऑफ कर लिया है यहाँ पे। और ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा पराठा, चिकन ग्रेवी सब मिलकर मैरिनेट होकर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसी के साथ इसमें बनाना लीफ का थोड़ा सा फ्लेवर भी आता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करें आप लोग। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।